फेब्रुअरी के लास्ट वीक से इतने हसीन ये चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ हैं और इनके फ्लावर्स देखें किस कदर खूबसूरत हैं, और इससे ये जाहिर होता है कि अब ये स्प्रिंग शुरू होने वाला है और वेदर चेंज होने वाला है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। चले आज मैं आपके साथ अपने कुछ मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी और लंच टाइम भी शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इस टाइम मैं वॉक कर रही हूँ और यहाँ बहुत ही खूबसूरत क्लाउडी स्काई है, मैं आपको दिखाती भी हूँ। बेसिकली मैं एक नेचर लवर हूँ और मुझे नेचर बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। अब मैं किचन में आ गई थी और अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो प्रेप कर रही थी। So, ये है मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। चिकन मिंस पास्ता के लिए सबसे पहले मैंने एक टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने इसमें एक स्मॉल अनियन जो है वो चॉप करके डाल दिया। उसके बाद आप इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक और जिंजर की पेस्ट डाल देंगे, इसे अदरक लहसुन की पेस्ट भी कहते हैं उर्दू में। उसके बाद आपको जब अच्छी तरह से फील हो जाए कि ये दोनों चीजें यानी कि अनियंस और गार्लिक और जिंजर पेस्ट जो है ये अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो उसके बाद फिर आप जो है वो टोमेटो प्यूरी डाल दें। अच्छा, टोमेटो प्यूरी को इनके साथ अच्छी तरह से मिक्स करें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर आपने स्पाइसेस डाल देनी है। अच्छा, ये मेरी स्पाइसेस हैं और इसमें शामिल हैं जैसे आप देख रहे हैं नमक है और हल्दी पाउडर है इसमें, और मैंने रेड चिली पाउडर की बजाय काली मिर्च का पाउडर डाला है। एक तो मुझे उसका टेस्ट भी पसंद है और दूसरा थोड़े से हेल्थ रीजंस के लिए। और जो गरम मसाला है वो मैंने साबुत नहीं डाला, मैंने उसका पाउडर ही डाल दिया है। और जो चिकन है वो 1/2 kg है, तो उसी के हिसाब से आप डालें जितना आपकी फैमिली को स्पाइसी खाना पसंद है। तो अब मैं ये सारे मसाले को थोड़ा सा सॉटे कर रही हूँ और थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा भून रही हूँ, आप ये समझ लें। सो ये जो मिंस पास्ता चिकन की जो रेसिपी होती है बहुत ही हेल्दी होती है और ये टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही मजे का होता है। आप भी जरूर अपने घर में ट्राई करें इसे। उसके बाद मैंने ये चिकन मिंस जो है ये इसमें डाल दिया और अब मैं इसे भून रही हूँ। ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें जो है वो पास्ता ऐड करूंगी और अपनी गार्निशिंग के लिए सारी चीजें जो है वो मैं ऊपर डालूंगी। वैसे यूके में बहुत ही अच्छी हलाल मीट शॉप्स हैं और मीट भी बहुत साफ होता है। अच्छा, इस पॉइंट पे जब आपका चिकन जो है भुन जाए तो आप अपनी कोई सी भी चॉइस की वेजिटेबल्स डाल दें। मैं ये डाल रही हूँ येलो पेपर्स, मुझे पेपर्स अच्छी लगती हैं। आप कुछ भी अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स जैसे मटर, आलू, कैरेट, जो भी आपको पसंद है आप डाल दें इस पॉइंट पे। ये देखें, एक साइड पे जो है मेरा पास्ता अब बॉईल हो रहा है। जैसे ही बॉईल होगा मैं उसमें मिक्स कर दूंगी। चलें, अब पास्ता जो है ये रेडी है और मैंने जो कुक बनाया है मेंस चिकन उसको मैंने मिक्स कर दिया है और ऊपर से मैंने गार्निशिंग कर दी है। इसमें ये है ग्रीन चिलीज है, कोरिएंडर है और इसके साथ एक मैंने स्प्रिंग अनियन भी कट करके ऊपर से गार्निश किया है। आप भी अपने घर में जरूर ये ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी होता है, स्पेशली आपके किड्स ये बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरे लंच की रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब के लिए मेरी हार्टी विशेज हैं कि आपका भी दिन बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत गुजरे और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय।